अच्छा है कि बच्चा हो अच्छा अरे था अभी 3 किलो का हो होने मार मासू लगाना है उनका ऐसा तो मसला कि इनको अल्हम्दुलिल्लाह से दुआ करा जो कि अल्लाह की तरफ से बेटा नहीं होता तो उनको कहाँ से आया था लोग पढ़ गए कितने साल से नहीं होता उसको क्या दो तीन दो लड़के है और दो लड़के के बाद में दो तीन बच्चे खाली हो गए हमारा खराब हो गया था इसलिए आपके पास आए थे फिर इलाज चालू आप दुनिया क्या हो गया आपके पास आने का आप अल्लाह पाक ने दिया लड़का हमारे दुआ से मिलो आप बोलो दो लड़के पढ़े लिखे जो भी तुमने बताए थोड़े रहमान थोड़े मुजम्मिल थोड़े यासीन और तुमने जो तावीद दिए उसके उसके ऊपर 400 बार कुरान अल्लाह पढ़ के पानी पीने का बस वो अमल करे इंशाल्लाह अमल रहने के बाद अमल भी खराब नहीं हो जाएगा और इंशाल्लाह बेटा भी खराब होगा अल्लाह ने बेटे से गोद भी भरा आपके पास हम खुशी से आए आपको बताने के लिए बच्चे का क्या रखे नाम इसका इसका नाम रखे मोहम्मद इब्राहिम ऐसा मसला है कि ये लोग पहले आए थे तो इनकी दास्तान इसकी कि पहले दो बच्चे कुछ हुए थे उसके बाद फिर बच्चे चार अमल उनके जाया हो गए इनके अमल ठहरने नहीं दे रहे थे कुछ लेकिन जादू टोना करनी कोटा ये जो सब चीजें इसको नापने वाली कोई मशीन नहीं बनी अभी तक इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कितने लेवल पे क्या है क्योंकि जादू टोना रूहानियत के ऊपर चलता रूहानियत को नापने वाली कोई मशीन नहीं कोई एक्सरे नहीं और ये इनका ऐसा मसला था कि खैर अभी जो आए यहाँ पर इस दर पे अल्लाह की तुमसे दुआ कराए उनको कुछ कुरान के आते हैं सूरह पढ़ने बताए करे तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने उनको बेटा आता कि आप उसका नाम मोहम्मद इब्राहिम के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है अल्लाह की शान कि तुम मांगो उसी से जो देता है खुशी से कहता नहीं किसी से वो ज़ात है अल्लाह की इबादत की रस्सी को तुम लोग मजबूती से थामेंगे दुआ मोमिन का हथियार है तुम ये सब बातों से महफूज रहेंगे देखो अल्लाह ने उन्हें पता किया बेटा उनको जैसे भी अमल पता जो भी इबादत बताए उनसे सूरह उन्होंने बयान करे कैसे कैसे पढ़े उनको सब जो भी सूरह रहमान यासीन मुजम्मिल जितने पता उतना पढ़े अमल करे अल्लाह ने उनकी गोद नमाज़ा बेटे से भर दिया अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसा होता है अल्लाह की शान इसलिए अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अल्लाह से मांगना गैरुल अज़मीन ये अल्लाह वाले जो होते हैं तो अल्लाह वालों के पास जाने से तुम्हारा ईमान और तुम्हारा दीन मजबूत होता और तुम काफिर जादूगर ये लोगों के पास अगर तुम जाएंगे तो इससे तुम्हारा दीन और दुनिया दोनों भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है तो इसलिए बेहतर है कि इबादत की रस्सी को मजबूती से ज्यादा थाम के रखना और देखो अल्हम्दुलिल्लाह से कैसा अल्लाह ने उनको बेटा आता क्या हमारे बच्चे क्या मतलब बेटा नहीं होने दे रहे थे नहीं होने दे रहे थे नहीं हो रहा था तू यहाँ अमल जब चालू हुआ तो मैं बोला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह करूंगा दुआ पानी तावी वगैरह कुरान के आयत सूरह रहमान सूरह मुजम्मिल सूरह यासीन सब बता दो मैं कैसे पढ़ना क्या करना जिक्र हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया क्या आराम है मोहम्मद बस चलो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ और कुछ पूछना चिल्ला का भी कल कर ले सब सब संडे के दिन लेकर आने पर संडे के दिन सब सब है ना कल चिल्ला है सवा महीने के बाद में लेकर आए क्योंकि सवा महीने से पहले नहीं ला सकते इसलिए वो ला दुआ के पाक साफ करके लेकर आओ तो सवा महीने के बाद लाए इंशाल्लाह और दुआ करेंगे कि उसके आने वाले बच्चे की फ्यूचर में उसकी ज़िंदगी में सब अल्लाह सारे मुश्किलें आसान कर दे और नेक तौफीक उसको भी अता कर दे और बस बहन सुनने से ज़्यादा अमल करने के अल्लाह से तौफीक दे और इबादत की रस्सी को मजबूती से ज़्यादा थामना
बस इतना ही मोहम्मद यूसुफ के हम ठीक है इबादत इबादत और दुआ दुआ मोमिन के लिए अल्लाह ने हथियार रखा है और ये जो लोग जादू टोने करते हैं एक दूसरे के ऊपर जादू टोने करके ऐसे हरकतें कर रहे किसी बच्चा नहीं होने रहे किसी कुछ नहीं होने रहे तुम्हारी कोई मिसात नहीं है ना जादूगर की मिसात है ना जादूगर जिसकी पूजा करके सिक्के जो बनता उन्हें उसका जो जादूगर की जिसकी दुनिया टिकी आई होती है शैतान शैतान की भी कोई औकात नहीं अल्लाह वालों के सामने और अल्लाह वालों के दर के सब मोहताज है और अल्लाह वाले किसी के दर के मोहताज नहीं होते और अल्लाह वाले इबादत के दर के मोहताज है और दुनिया अल्लाह वालों की जर की मौका देती है इसलिए एक बार भी कोई जादूगर कितना भी बड़ा जादू रंग दो क्या भी रंग दो सब कलाम इलाही के सामने इबादत वालों के सामने आके सब रद्द हो जाते हैं और खत्म हो जाता है जादू टोने की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं रहती क्योंकि जहां पर अमल कार करना बंद कर देते जहां पर सारी दुनिया की ताकतें सब बंद हो जाती तो वहां दुआ काम आती और दुआ किसकी चलती जहां अल्लाह वालों का तरफ जो अल्लाह वाले थे उनकी दुआओं में ऐसा तासीर रखता अल्लाह कि कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरी जबान बन जाऊं कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरा हाथ बन जाऊं कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरा पैर बन जाऊं जो फरमाता अल्लाह तो उसका मतलब ये है कि कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरी जबान बन जाऊं तेरे जबान से जो निकला हो तू नहीं कह रहा वो मैं कह रहा अल्लाह फरमाता पत्थर की लकीर है फिर अल्लाह ने कह दिया वो हो जाएगा कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरा हाथ बन जाऊं जिसके सर पे से तू हाथ फेर दिया उसकी सारी नहुसतें दलिंदरियां दूर कर दूंगा क्योंकि तू थोड़ी फेर रहा हुआ मैं तेरा हाथ बना लो कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरा पैर बन जाऊं इसका मतलब ये कि तू जहां 70,000 साल तक भी अनाज नहीं उग सकता वैसे बंजर जमीन पे कदम रख दे वहां हरियाली पुट जाएंगी क्योंकि तू पैर नहीं रख रहा अल्लाह फरमाता फिर मैं अल्लाह रख रहा पैर हो रहा है कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरा हाथ बन जाऊं आंख बन जाऊं पैर बन जाऊं उसका मतलब ये है इसलिए जादूगरों की और ये करनी का उटालू की चीजों की कोई हैसियत शैतानों की कुछ नहीं है इबादत के सामने इबादत की रस्सी सबसे मजबूत है इसलिए इसको एकदम छोड़ो मत उसको डट के और कस के पकड़ करो तुम इबादत और घर में तालीमात सुबह और शाम या एक कौन सा भी टाइम रखो हदीस पढ़ो एक घर में पढ़ाओ बच्चों को समझाओ रोज एक हदीस का मामूल बनाओ या रोज एक रिवायत पढ़ के सुनाओ एक जैसा भी कुरान की तफसीर सुनाओ कुछ भी तुम दीन से जुड़ेंगे और मजबूत होंगे और दीन से तुम जुड़ेंगे तो तुम्हारी ढाल है तुम ये सब चीजों से महफूज रहेंगे नहीं तो लोग तुम्हारे रास्ते में हर वो मामले के अंदर अड़थड़े डालते हर वो मामले के अंदर करने का डालते तुम्हारे को रुकावट डाल के परेशान करने की कोशिश करते तुम्हारे कारोबार पे वार चला सकते तुम्हारे जिस्म के ऊपर तुम्हारे बीमारी लगा सकते बहुत कुछ तुम्हारे घर में लड़ाई लगा सकते ये सब अमलियात गंदे अमलियात के थ्रू करते लोग अब देखो बच्चा नहीं होने देते देखे कितनी खुदा की कुदरत कमाल अब उन्होंने ये बोलते थे कि हम नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे हम दुआ नहीं करते तुम दीवाला हम पढ़ेंगे नहीं हम टीवी देखते बैठेंगे तो किसका क्या जाता था होता था कि नहीं होता था आए दुआ कराए अल्लाह ने दुआ कबूल करा और दुआ कबूल करके अल्लाह ने उनको नबीरा बेटा अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख इस वास्ते इबादत के रस्सियों को मजबूती से थामो और जाहिल मत बनो जो जाहिल इस्लाम के अंदर उसको बोला अल्लाह है कि जो पढ़ा लिखा गवार जो पढ़ लिख के अनपढ़ को जाहिल नहीं बोले आला पढ़े लिखे को जाहिल बोले आला जो पढ़ लिख के सब जान के भी नहीं मानता हो बात को नहीं मैं नहीं मान रहा हूँ तो फिर वो जाहिल है बोलते आला इस्लाम जाहिल मत बनो आमिल बनो इबादत करो अमल करो और अमल करके आमिल बन के सही तरीके से अदाअत करो अल्लाह और उसके रसूल की तुम दुनिया और आखिरत दोनों तुम्हारे बनेंगे और जादूगरों के वास्ते तो इतना बोलूंगा कि वो हमें से नहीं है वो हमें से नहीं वो हमें से नहीं और जादू करने वाला भी हमें से नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए इसलिए ना जादूगर के पास जाया करो ना गंदे अमल करो ना कोई अमल कर रहा तो उसके पास जाओ बहुत बुरी बात है तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जा रहे दोनों चलो दुनिया ही बर्बाद हो गई ठीक है कैसा तो भी इंसान गुजर गया चले गया दूसरे दुनिया में तो वो तो लाख पानी दुनिया है कयामत के बाद से जो तुम्हारे मरने के बाद से जो स्टार्ट होंगी तो फिर तो कभी खत्म होने वाली दुनिया ने फिर वो आखिरत क्यों बर्बाद करके ले रहे अपने हाथों से अपनी ये गलत बातें तुम क्या कर सके जिसने भी इन पे जादू उन्होंने जो भी करा था तो देखो ना बच्चे मार के अपना देखो जिसने भी करा जादू टोना क्या हुआ उसका आखिरकार उस पर मार पड़ती पलट के उन्हें रोक सका क्या उन जो दर पे आए जहाँ पे भी अल्लाह ने मैंने दुआ करा मेरे जबान की लाज रखा अल्लाह ने बेटा अता करा तो ऐसा रहता कुछ कुछ जबाने और कुछ कुछ हाथ ऐसे रहते कि अल्लाह उनको खाली नहीं जाने देता दुआ करने के बाद सुनता ही सुनता और क्या बोलते थे उस पर अमल कराता ये अल्लाह की शान है क्योंकि अल्लाह तुम्हारी जबान में भी तो ऐसा तासीर होना ना कुरान पढ़ने वाली जबान बनाओ अपनी बुराइयां गीबतां गालियां गाने नाच पिचना ये सब चीजों से बाज आओ और किसी की गीबत मत करो किसी पे जलो मत हसद जलन मत रखो ये सब तुम्हारे दिल से निकाल के फेंको तुम्हारा दिल दिमाग और तुम्हारी जबान ये जब पाक होंगे फिर अल्लाह तुम्हारे हाथों को कैसा दुआ से नीचे गिरने देगा खाली हाथ तुम्हारे नीचे गिरने से पहले तुम्हारी दुआ कबूल कराने लगेगा
तुम्हारी जबान से जो लफ्ज निकल जाएगा वो लफ्ज को जाया नहीं जान देंगे अल्लाह। बोलने को बहुत कुछ बातें हैं मगर बस इतना ही कहूंगा कि बस की रस्सी को मजबूती से थामना और देखे दुआ और बद्दुआ में कितना तासीर और कितनी ताकत होती ये बात है। सैयदों की जबान में भी ऐसी ताकत और ऐसी तासीर रखा अल्लाह ने, जिसको दुआ दे दी उसको आबाद और जिसको बद्दुआ दे दी उसको बर्बाद कर देता उसकी नस्लों को। देख लो सारे वाकियात पढ़ के सैयदा बद्दुआ कम लोगों को देते सिर्फ दुआ देते, क्योंकि उनकी दुआ इतनी बद्दुआ तो इतनी खतरनाक होती तारीख के अंदर पढ़ लो पता चलेगा तुमको। इसलिए वो घराना ही ऐसा है सैयद घराना कि किसी को बद्दुआ देते नहीं, लोग सिर्फ दुआ करते अल्लाह का। जुल्म इतना करने के बाद भी तो उनके हकों में दुआ ही करे ना। करबला के अंदर करबला के वाकया भी पढ़ो, वो घराना है सैयद, वो जबान का तासीर रखा अल्लाह ने। बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें बोलने के लिए, बस इतना बोलूंगा कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और इसे हसद जलाना मत रखो। इबादत इबादत इबादत, दुनिया आखिरत तुम्हारी सब सवार देगी, सिर्फ इबादत। ठीक है, चलो आपको।